हेलो व्यूअर्स, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन सा ब्रिज पे हूँ। बाबा ये ब्रिज का नाम का, तो मैं अभी हूँ तिमजोर ब्रिज के पास और ये देखिए ब्राह्मणी रिवर और पानी देखिए। मुझे तो नीचे देख के ही बहुत डर लग रहा है, तो आज हम निकले हैं कुछ ज़रूरी काम के लिए, इसलिए हम निकल रहे हैं। तो पानी देखिए फ्रेंड बहुत खतरनाक है। तो व्यूअर्स देखिए पूरा मतलब बहुत सुंदर प्लेस है ये, और यहाँ पे देखिए ये लगाए हुए हैं, बहुत मस्त लग रहा है। और ये छोटा वाला सर नदी है, छोटा वाला नाला, और उस तरफ बड़ा ब्राह्मणी ब्रिज, और बहुत मस्त लग रहा है फ्रेंड। मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है ये मतलब जगह, और ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इस तरफ में कभी आया नहीं था। तो व्यूअर्स मुझे भी नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं गुरुंडिया ऑफिस कुछ काम के लिए, पर मेरे लिए जगह पूरा नया है, तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ। अभी रोड खराब था इसलिए मैंने मतलब उतरा था, अभी बैठ गया। हेलो व्यूअर्स, हम कहाँ जाएंगे, आगे क्या है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं आज पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। पर मेरे लिए ये थोड़ा एडवेंचर फुल मतलब क्या बोलूँ, एडवेंचर से भरा हुआ एक जर्नी है मेरे लिए ये, क्योंकि इस जगह में कभी आया नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे क्या होगा। और अभी हम लोग गुरुंडिया मतलब पहुँच चुके हैं, और कुछ ही दूर है और हम पहुँच जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पे मेरे पापा के साथ, और आज इसी का होगा ब्लॉग। हम लोगों का डेस्टिनेशन होगा गुरुंडिया तहसील, जो कि मेरे पीछे तरफ देखिए है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने, उस रिलेटेड कुछ काम था तो हम आए हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए मेरे आसपास का मतलब नज़ारा नेचुरल ब्यूटी से पूरा भरा हुआ, बहुत अट्रैक्टिव है।
देखिए दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी से पूरा भरा हुआ ये पास में एक जंगल है, पहाड़ बहुत बड़ा, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चियाँ बच्चे मतलब कुछ कर रहे हैं, और बहुत सुंदर है ये नज़ारा, मुझे तो बहुत पसंद। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये पेड़ पे ना ऑर्किड टाइप का कुछ मतलब हुआ है, दिखने में तो ये ऑर्किड की तरह लगता है पर ये ऑर्किड नहीं है फ्रेंड। देखिए ये ऑर्किड फ्लावर जो ऑर्चिड होता है, ऑर्किड उस टाइप का ये दिख रहा है, पर मुझे नहीं लगता इसमें फ्लावर होते होंगे, पर हाँ ये दिखने में बहुत ज़्यादा यूनिक है फ्रेंड और अच्छा लगता है मुझे दिखने में। देखिए पूरा मतलब वो लुक, देखिए फ्रेंड पूरा डेंजरस है। मुझे तो लग रहा है इस जगह 100% सियर बहुत टाइप के स्नैक्स मिलेंगे, चाहे वो बैंडेड क्रेंट हो या रसल्स भाइपर, इस जगह में तो हमको डिफरेंट टाइप के स्नैक्स मिलेंगे। पर हाँ नेचर लवर्स जो लोग हैं उनके लिए ये जगह बहुत मतलब सुंदर है। यस व्यूअर्स, जो लोग नेचर लवर हैं उनके लिए ये जगह बहुत सुंदर है, क्योंकि चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल, तो ये जगह बहुत सुंदर है अगर मैं बोलूँ, स्पेशली नेचर लवर्स लोगों के लिए जिनको नेचर पसंद है उनके लिए ये जगह परफेक्ट है। पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि दिन में ये जगह अच्छा लगेगा, पर रात को ये जगह डेंजर है, क्योंकि रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। बहुत सुंदर है फ्रेंड। तो व्यूअर्स पीछे तरफ देखिए जंगल है, जंगल बहुत बड़ा जंगल और पहाड़, और जो गुरुंडिया ब्लॉक का जो तहसील ऑफिस है ये इस जंगल के बीच पे है, वाइल्ड, यस वाइल्ड जगह पे है। पर एक चीज़ है, ऑफिस आओ ना 1000 घंटा वेट करो, यही प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये ऑफिस आने को मन नहीं करता, पर क्या भी और किया जाए। वहाँ पे बोरवेल है, मैं थोड़ा जाके अपना हाथ धो लेता हूँ, हाथ और मुंह मतलब फेस, पता नहीं पानी निकलता होगा कि नहीं, पानी तो पक्का निकलता ही होगा। ओके तो व्यूअर्स, मैंने अपना फेस थोड़ा सा धो लिया और हल्का हल्का बारिश हो रहा है, मतलब सावन का महीना और हल्का हल्का बारिश, बहुत मस्त लग रहा है। और ये रोड मतलब बहुत सुंदर रोड है, ये पिक्चर और ब्लैक बहुत मस्त है। और आपको गुरुंडिया तहसील ऑफिस देखना है, गुरुंडिया तहसील ऑफिस, ओके मैं दिखाता हूँ। ये रहा देखिए व्यूअर्स ये रहा गुरुंडिया ब्लॉक का तहसील ऑफिस, ऑफिस के अंदर मेरे पापा बैठे हुए हैं पर मैं बाहर घूम रहा हूँ, अभी पापा के पास जाके उनसे थोड़ा मिलता हूँ। तो ये रहा ऑफिस, अब हम जा रहे हैं घर वापस। ये रहा तो हम लोग तहसील ऑफिस आए थे, अभी हम लोग जाएंगे आ रही ऑफिस शांतिपोस। आपका पूरा एक दिन पूरा लग जाता है, बहुत मतलब क्या बोलूं, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो चलो सुहाना सफर का मजा लीजिए फ्रेंड, हल्का हल्का बारिश, श्रावण के महीने हल्के हल्के बारिश, लॉन्ग ड्राइव और भी पापा के साथ, बहुत रेयर लोगों को ही ये चांस मिलता है, समझ रहे हो ना, बहुत रेयर लोगों को ही चांस मिलता है, तो आप देखो। Thank you.
এটা কেটে ও দুইটা দিও। मैं अभी नदी के पास हूँ बिल्कुल। मुझे भूख लग रहा है तो अभी मैं कुछ खाऊंगा। मंचूरियन अच्छी ओ अच्छी तो मंचूरियन दियो एक प्लेट। मंचूरियन खा लिया और हल्का हल्का बारिश हो रहा है। अभी हम जाएंगे वापस। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा होगा प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक कर लिए आप लोग अच्छे से रहना। जय जय।